और इन इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पटन की रिपोर्ट आई, पटन एक है इदारा जो कि इलेक्शन के ऊपर जो सारे उनके तस्करा करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उनके ऊपर सर्वेस करता है, उस इदारे की क्या रिपोर्ट है? उस इदारे की रिपोर्ट है कि 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली के। उनकी सर्वे के मुताबिक 163 तरीके हैं जिसके जरिए धांधली होती है। और पटन वोटिंग मशीन है उससे ये खत्म हो जाते हैं। और आप ये देखें कि 2-2.5 साल से पूरा जोर लगाया कि किसी तरह ईवीएम मशीन आ जाए। ये दो जमातें जो माफियाज हैं इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की, ये जो बाकी पीडीएम की पार्टीज है इन्होंने मुखालफत की उसकी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुखालफत और सेबिटाज इस इलेक्शन कमीशनर ने किया। और अभी आप देख रहे हैं कि जो दो इलेक्शन में हम हारे हैं उन दोनों इलेक्शन में, मुजफ्फरगढ़ में और ये जो पिंडी में, दोनों इलेक्शन के अंदर रिजल्ट डिले किए गए। ईवीएम मशीन से क्या होता है कि एकदम जैसे इलेक्शन खत्म होता है रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट डिले करते हैं, जो जुडिशियल कमीशन बैठी थी 2015 में इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने ये कहा कि सारा जो धांधली होती है वो जैसी पोलिंग खत्म होती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है। और ये ही पटन की अब रिपोर्ट आ गई है। और इसीलिए हम चाहते थे कि ईवीएम मशीन हो ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इस इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ किया। मैं फिर से अपनी कौम को मुबारक भी देता हूं, जिस तरह मेरी कौम निकली, मैंने जिस तरह का खातिर निकले, लेकिन जो हमारे नौजवान जिस तरह निकले, जिस तरह उन्होंने पैरा दिया, जिस तरह उन्होंने हर किस्म की उन्होंने कोशिश की, डराने की, धमकाने की एफर्ट्स, सबके खिलाफ जिस तरह कौम खड़ी हुई, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज सलाम करता हूँ। आपको अपनी कौम की तरफ से हम सारी कौम, हम सबको अपने आप में मुबारक देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा एक नए रास्ते के ऊपर हम निकल गए। इंशाल्लाह ये कौम जो मैं हकीकी आजादी की बात करता हूँ उस तरफ हम अब निकल गए, क्योंकि इलेक्शन के जरिए भी कौमों को गुलाम बनाया जाता है। ये कंट्रोल इलेक्शन के जरिए भी कौमों की आवाम कुछ कहती है और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। लेकिन मैंने जो आज आपको खास तौर पर यहां सबको दावत दी और वो अब मैं उस पर आ रहा हूं। इस वक्त आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना नहीं मैं कहता फजल, 3 स्टूडेंट्स, ये सारा अभी क्या कोशिश कर रहे हैं? कल होगा वोटिंग, कल असेंबली में फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सबको पता है कि अब मेंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और दो दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने की। सारी कौम के सामने, सारे मुल्क के सामने, सिंध हाउस के अंदर पहले इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के। मीर जाफर ये बने और सादिक मीर सादिक ये बने, इन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई। कैसे? हमारे लोगों को खरीदा, हमारे इन्होंने उन लोगों को खरीदा जिन्होंने अपनी जमीर की कीमत लगाई, बेजमीर लोग वो लोग, और इतिहादी वो जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि पूरे फायदे उठा के हमारे साथ, और फिर जब वक्त आया और जिधर से भी उनको हुक्म मिला, और वो अब तो खुद को ही कह रहे हैं कि हमें हुक्म मिला, अब तो बल्कि नून लीग के लोग, ये जावेद लतीफ और ये एक दो और इनके, वो खुद कह रहे हैं कि जरा हमें तो धकेला गया या हमें तो हुक्म दिया गया नो कॉन्फिडेंस का कि मैं करने का। अब तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किसी ने हमें धक्का दिया था, हैंगर्स ने हमें यहां भेजा था। लेकिन मैं जो खास तौर पर उन इन लोगों के निशानदेही करना चाहता हूं,
कि वोट लिया हमारे नाम पे, उसके बाद इन्होंने पूरे फायदे उठाए गवर्नमेंट में बैठ के और सारी पावर के पूरे फायदे उठाए, ब्लैकमेल किया, इनमें से ज्यादा देर ब्लैकमेल करते थे। जब वोट लेनी पड़ती थी, बजट की सपोर्ट करनी पड़ती थी, हमेशा अपनी कीमतें लगा देते थे कि जी अब ये भी फलाना फंड चाहिए तो फलाना फंड चाहिए। और उसके बाद इन्होंने उस वक्त गद्दारी की, कौन से गद्दारी की, अपने जो हल्के के लोग हैं उनसे गद्दारी की, आइन से गद्दारी करके इन्होंने अपनी जमीन बेच के आज बैठ के जाके दूसरी तरफ। पहले ये हुआ और तब भी जरदारी सबसे आगे था। इस जरदारी ने सिंध हाउस के अंदर लोगों को वहां पैसे, खुल के पैसे दिए जा रहे थे सारी कौम के सामने। मुझे अभी भी अफसोस है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को तब सोचना चाहिए था, उन्होंने हमारी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, चले उनका फैसला है, 12 बजे अदालतें भी खोल ली, चले ठीक है। लेकिन सारी कौम के सामने जब इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, अवाम का महंगे चोरी हो रहा था, अपने पैसे लेके अपने आप को बेच रहे थे, तो तब तो कोई अदालत नहीं। हम नवाज शरीफ ने इस आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में डाला करप्शन के ऊपर। इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ने के आसिफ जरदारी को कहते थे कितना बड़ा चोर है, और वो आसिफ जरदारी इन दोनों को कितना बड़ा चोर कहता था। इनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून छपे हुए हैं, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है इनकी चोरी के ऊपर, इनके ऊपर किताबें वे ऑफ द वर्ल्ड जैसी किताब, उसमें इनका लिखा हुआ है कि उन्होंने किस तरह चोरी किया है इस मुल्क का पैसा। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर नैब ने बने बनाए केसेस पड़े हुए थे, इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस थे। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि इनको बचाया गया है। शर्मनाक बात यह है कि 3.5 साल मैं कहता रहा कि हमारी पार्टी ने तो शुरू किए थे 26 साल पहले कि पाकिस्तान में इंतजाम होना चाहिए, लेकिन मैं बेबस था। जिनके पास पावर थी वो उन्होंने इनको बचाया है, उनको नहीं इनका एहतसाब होने दिया। अरबों रुपए की चोरी थी इनकी, और ऐसे केसेस थे ये बच नहीं सकते थे, लेकिन इनको बचाया गया। सारे इंसाफ का निजाम हम बेदस बैठे देख रहे हैं, कभी डेट्स मिल रही है, कभी बेल हो रही है, फिर कभी जज चेंज हो गया है, कभी वो बेंच टूट रहा है, कभी कमर में दर्द हो गई है। 3.5 साल हम इनके खिलाफ जो पुराने इनके केसेस थे, याद हमने ही केसेस बनाए थे। केसेस कब के बने हुए थे? इनके दौरों के केसेस बने हुए थे, इनके 10 साल जो उन्होंने लूट मार की। उसके बावजूद हम इनके केसेस के हम बेबस बैठे थे, कुछ भी नहीं हमारे हाथ में था, नैब हमारे हाथ में नहीं थी। नैब वो जैसे केसेस बनाए क्या करे, कब जेल में डालती, कब बाहर निकाली, गालियां हमें पड़ती थी, हम बेबस थे। और कौन इनको पीछे से रोक रहा था, कौन कंट्रोल, कौन डील्स कर रहा था, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम ने इन डाकुओं को, जो इस मुल्क को, मैं फिर से कहता हूं, पिछले 35 साल से लोग लूट रहे हैं, इनकी कहानियां सारी दुनिया में, ये जरदारी को 10% कहते थे कि हर चीज पे कमीशन 10% लेता, इन लोगों को बचाया गया। और अब ये जरा शर्मनाक बात, इन लोगों ने फिर मिलके हमारी गवर्नमेंट गिराई लोगों को खरीद के। अब जब इनके सारी इंतजामिया सब इलेक्शन कमीशन ने मिलके हमें हराने की कोशिश की, पाकिस्तानी कौम ने इनको शिकस्त दी, अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये पैसे चला रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, इनके ऊपर केसेस बनाए हुए हैं।